पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौड़ी आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट और श्री राम कथा महोत्सव समिति के तत्वावधान में 1 फरवरी 2024 से श्री राम कथा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कथा के शुभारंभ से पूर्व एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ आर्यन स्कूल के पास ऋण मुक्तेश्वर मंदिर से अनिल कुमार शर्मा के द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप और बैंड बाजों की धुन पर यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा में सबसे आगे मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया और महेश चंद्र अग्रवाल ने रामचरितमानस को अपने सिर पर धारण किया और यात्रा में पैदल चलते हुए आगे बढ़े। कलश यात्रा में 251 कलश धारण कर महिलाएं पीले वस्त्रों को धारण कर शामिल हुई। 251 कलशों को धारण करने का संकल्प लिया गया था, लेकिन भगवान राम की भक्ति में डूबी महिलाओं ने 300 से ज्यादा कलश धारण कर महिलाएं शामिल हुई। भव्य यात्रा आर्यन स्कूल से शुरू हुई और बुद्धि विहार क्षेत्र में घूमकर कथा स्थल पर पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हुआ। पंडाल में पहुंचकर कलशों की स्थापना की गई और भगवान श्री राम का जय घोष किया गया। इस अवसर पर यात्रा में MLC डॉक्टर जयपाल सिंह वैस, प्रिया अग्रवाल, डॉक्टर विशेष गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।